नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल रेलगढ़ में। दोस्तों, हाइपर लूप प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि दुनिया में कहीं नहीं है और इसका पहला इम्प्लीमेंटेशन किया जाना है भारत के अंदर। दोस्तों, 2018 में इस प्रोजेक्ट की बात की गई थी। ये प्रोजेक्ट तकरीबन 140 किलोमीटर मुंबई से पुणे के बीच में बनना था। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि हाइपर लूप आखिर क्या है, जो कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे ट्रैवल टाइम को बहुत ही कम किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पे छोटे छोटे कैप्सूल्स का यूज़ किया जाता है जिसके अंदर लोगों को बिठाया जाता है और इनको पाइपलाइंस के अंदर चलाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे फ्रिक्शन कम होता है और साथ ही साथ एयर का जो रेजिस्टेंस है वो भी बहुत ज़्यादा कम होता है, जिससे इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, या फिर कह लें इसकी स्पीड जो है 1100 से 1200 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। दोस्तों, इसी प्रोजेक्ट को लेकर के कुछ अपडेट्स निकल के सामने आए हैं। दोस्तों, हाइपरलूप प्रोजेक्ट के CEO जे वॉल्डर ने कुछ बातें कही हैं, तो वो आप बातें आपको मैं इस वीडियो के अंदर ज़रूर बताऊँगा। वीडियो को अंदर तक ज़रूर देखेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि 2018 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी और जो है इस प्रोजेक्ट की जो एंड डेट रखी गई है वो है 2026। 2026 तक इस प्रोजेक्ट को जो है कम्प्लीट किए जाने के वादे किए गए थे। दोस्तों, यहाँ पे दो कारण रुकने के आए थे, जिसमें दोस्तों पहला कारण था क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं था। जैसे कि हमारे बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर उस पर काम करेंगे, बट जो हाइपर लूप प्रोजेक्ट था वो स्टेट गवर्नमेंट का ही था। यानी कि आप कह सकते हैं ये महाराष्ट्र के अंदर ही बनना था। इसमें जो पूरा काम था भूमि अधिग्रहण को लेकर के और भी जितने काम होते हैं वो सारे के सारे जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ही किए जाने थे। कारण बनना है वो है कोरोना वायरस। सो इसी को ध्यान में रखते हुए वर्जन हाइपरलूप 1 के CEO जे वॉल्डर का कहना है कि हम नहीं चाहते थे कि इस परियोजना में किसी प्रकार की कोई देरी हो। अभी जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जिसके कारण इस प्रोजेक्ट में जो है काफ़ी ज़्यादा डिले आ चुकी है। इस प्रोजेक्ट को लेकर के जो पेपर वर्क था वो हमने पहले ही ख़त्म किया था, लेकिन अब जो है इस प्रोजेक्ट में कोरोना वायरस की वजह से जो है रुकाव लग गया है। हम हाइपरलूप को एक एक्सपेरिमेंटल नज़र की तरफ से देखते हैं। जिस तरीके से हम इसको 11 किलोमीटर का बना के पहले इसका परीक्षण ट्रायल करेंगे, जिसके बाद इसकी टेस्टिंग भी आसानी से की जा सकती है, उसके बाद हम इसको भारत के कई शहरों में लगाने का भी प्लान कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं जल्द ही ये वायरस ख़त्म हो जाए और हम अपने हाइपरलूप प्रोजेक्ट पे जो है काम आगे बढ़ा सकें। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से बातें उन्होंने एक मीडिया के जरिए कही हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट बताऊं तो करीबन 70,000 करोड़ रुपये का ये प्रोजेक्ट है, जिसको एक प्राइवेट कंपनी ऑपरेट करेगी जिसका नाम है DP World। सो इस कंपनी के द्वारा जो है इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाना है भारत के अंदर। दोस्तों, एक बहुत ही गुड कंसेप्ट है और जिससे जो है ट्रैवल टाइम को आसानी से बचाया जा सकता है। सो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की लास्ट डेट रखी गई है 2026। तो इस प्रोजेक्ट को लेकर के दोस्तों यही कुछ अपडेट्स है जो मैंने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं हमको किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य अपडेट के साथ। सबके लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।